मूल प्रकृति से हुआ ये सारा जगत और फिर उस जगत में प्रकृति ने स्त्री के शरीर को बनाया. बनना ही था. नर बनेगा तो मादा तो बननी ही है. पर मादा की विशेषता ये कि स्त्री ने अपनी प्रजनन की क्रिया, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा शक्ति, वह भी इसमें विशेष रूप से रख दी. इसलिए भारत एक अकेला देश है, एक अकेली संस्कृति है जहां स्त्री को देवी कहा गया. देवी मन मतलब जिसमें दिव्यता है, देवी मतलब प्रकृति. तो जब किसी को स्त्री का शरीर मिले तो वो जाने इस बात को कि प्रकृति की विशेष कृपा हुई है, इसलिए स्त्री शरीर मिला. तो हम ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि जिनका विशेष भाग्य उदय होता है उन्हीं के पास स्त्री का शरीर होता है. आपका दिमाग झटका खा रहा होगा, भौचक्का हो रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने क्या सुना है? पुरुष का शरीर श्रेष्ठ होता है, स्त्री तो बेचारी कमजोर सी अबला नारी होती है. लेकिन सत्य क्या है? स्त्री विशेष गुण कौन से? इच्छा, बुद्धि, क्रिया, तीनों का सम्मिश्रण लिए हुए जो उत्पन्न होती है उसी को हम स्त्री कहते हैं. जो अपने आप में परिपूर्ण होती है, वो अधूरी नहीं होती. शिव को एक दूसरा मूर्ति भी आपने देखा होगा जिसमें काली उनकी छाती पे खड़ी है. बंगाल में ये अधिक चलता है चित्र. शिवजी लेटे हैं और उसकी छाती पे काली खड़ी हैं और जीभ उनकी बाहर है और बड़े भयंकर उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और गले में कपाल है, स्कल्स कि माला उन्होंने गले में पहनी हुई है, पर उनकी आंखों में अनंत प्रेम और आनंद है. इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज इफ यू आर एंग्री देन योर आईज शुड हैव एंगर. ऐसे थोड़ी होगा कि होंठों पे तो गुस्सा आ रहा है पर आंखों में गुस्से नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं होता. पर काली की इस मूर्ति में ऐसा हो रहा है. इतना हिस्सा देखोगे सिर्फ नेत्रों का तो करुणा से भरी है, प्रेम से भरी है, पर बाकी स्वरूप देखो तो बड़ा भयंकर. शिव का एक दूसरा नाम भी है, वो है महाकाल. और महाकाल की पत्नी का नाम क्या हो गया? काली. काल से सब उत्पन्न होता है. काल माने समय. See, हमारे भारत के जो ऋषि थे ना, वो बहुत बड़े विजुलाइजर्स थे, कवि थे और वैज्ञानिक भी थे. तो जब विज्ञान और काव्य आपस में मिल जाते हैं तब इस तरह की सिंबलिज्म की सारी चर्चा निकल आती. अब शिव जो है उस फोटो में क्या दिखाते हैं? एकदम शांत पड़े हुए हैं और उनकी छाती पे काली खड़ी है. और अब हम अभी क्या समझ के हटे हैं? प्रकृति के आधार में कौन है? पुरुष. इसलिए शिव को लेटर दिखा दिया और काली महा भयंकर रूप लेके खड़ी है. क्यों?
अब ये चिन्ह है काल से जन्म हुआ काल से मरण हुआ, काल से संयोग हुआ काल से वियोग हुआ, काल से दिन हुआ काल से रात्रि हुई, काल से पाप हुआ काल से ही पुण्य हुआ। दानव देव दैत्य असुर पशु काल से उत्पन्न हो रहे और काल में ही खत्म हो रहे। तो काली के हाथ में बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं वो सृजन और सिंघार के सूचक, काल से उत्पन्न हुआ काल से ही नष्ट हुआ। तो हाथ में खड़ग तलवार भाला बर्छी ये सब दे दिए। और उसको रंगत काली दी है, अज्ञान अंधेरा निद्रा बेहोशी मृत्यु का सूचक काला रंग। फार्म स्त्री का ही रखा उसमें, और कैसे डिपिक्ट करें। जीव लाल है, लाल जीव रजोगुण क्रिया का सूचक है, शरीर का कालापन तमोगुण का सूचक है, और नेत्रों में जो दया करुणा ये सात्विकता का चिन्ह है। तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का आधार पुरुष है शिव। इसे मैं कहती हूं कोड लैंग्वेज। तो काली कोड किसका हो गई, काल का, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, सृजन का, विध्वंस का, और शिव सूचक है ईश्वर का, ब्रह्म का। देखिए इस दुनिया में ईश्वर कुछ नहीं करता है, फोटो यही समझा रही है। तो शांत तो बड़ा है, काम कौन कर रही है, प्रकृति, इसलिए उसकी आठ बाहें दिखा देते। सिंबल किस चीज का, कि जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं वह सब प्रकृति के ओर से हो रही है, पुरुष कुछ नहीं कर रहा। पुरुष तो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो तो चैतन्य है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद कुछ नहीं करता, न सृष्टि को बनावे न चलावे न मिटावे, ये तीनों डिपार्टमेंट प्रकृति के हैं। पदार्थ दिखता है, ऊर्जा दिखती नहीं, और प्रकृति दिखती है, पुरुष दिखता नहीं। पर जहां जहां प्रकृति है जानिए वहां आधार में, वो फोटो ले आई आंखों के सामने, जहां जहां काली है वहीं वहीं शिव है। दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। हाथ है, पर इस हाथ में चलने की जो शक्ति है वो थोड़ी दिखती, हाथ दिखता। इस हाथ की शक्ति को जो मन चलाएगा वो मन भी नहीं दिखता, और इस मन के आधार में जो परमात्मा है वो कैसे दिख जाएगा। काली और महाकाल, बोले काली की जितनी भी क्रियाएं हैं वो किससे हो रही हैं, बोले आधार में शिव है, वो महाकाल है इसलिए हो रही हैं। शरीर प्रकृति का है, इसमें जो मन है वो भी प्रकृति का है, बुद्धि चित्त अहंकार वो भी प्रकृति का हिस्सा है, पर जो चैतन्य आत्मा है वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है। तो हम एक अर्थ से ये भी कह सकते हैं कि यह शरीर तो है देवी
और इसमें जो चैतन्य आत्मा है वही शिव है. तो आप अपने देह को ऐसे देखो कि जैसे ये एक मंदिर है, दिव्य है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ, सुंदर है और इसी में शिव भी है. तो देह मन बुद्धि इंद्रिय चित्त अहंकार ये सब हो गए प्रकृति और मैं चैतन्य स्वरूप मैं ही शिव हुआ. तो शिव भी यहीं पर और शिवानी भी यहीं पर, ब्रह्म भी यहीं पर, माया भी यहीं पर, पुरुष भी यहीं पर और प्रकृति भी यहीं पर. अब ऐसे में कोई ये कहे हम तो बेचारे हैं, हम तो कमजोर हैं, हमको तो समझ नहीं है, हमको तो अकल नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है, हम क्या करें, अरे हम तो नारी हैं, हम क्या करें, तो कुछ गड़बड़ हो गई ना फिर बात. फूल में सैकड़ों बीज होते हैं, उस एक बीज को निकाल के आप बो दीजिए तो उसमें से आगे सैकड़ों फूल निकल आते हैं और हर फूल के अंदर फिर सैकड़ों बीज आ जाते हैं. फूल जिस बुद्धि जिस क्रिया से बना तो वो पूरी प्रकृति क्या उस एक फूल में नहीं है, है ना? और उस एक फूल से आगे हजारों और फूल हो जाते और हजारों फूल से आगे और लाखों बीज तो और लाखों फूल हो जाते, लाखों से और आगे करोड़ों हो जाते. तो प्रकृति का पसार देख रहे हो कितना खूबसूरत है. ऐसे स्त्री के शरीर में जो उसका अंडा है उससे जब भी कोई शुक्राणु मिल गया तो एक उसके ही जैसा एक नया मनुष्य उसकी देह में उत्पन्न हो जाता है. मानो स्त्री ने एक आगे लड़की को उत्पन्न किया तो लड़की के अंडकोश में फिर आगे बीज हैं और आगे कितने बच्चे पैदा करने के लिए. क्रम ऐसे ही तो चले जा रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन होती चली जा रही है, मल्टीप्लिकेशन होती चली जा रही है. कई बार लोग आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं आप पीछे कहां से हो, पूछते हैं ना आप कौन होते हो. अब उनका दिमाग कहां होता है, जाति पे, धर्म पे, वर्ण पे. आप कहां से हो, आप बोलो हम कानपुर से हैं, फिर वो पूछेंगे तो पीछे से कौन हो. अब आपको कोई ये प्रश्न पूछे कि आप पीछे से कौन हो तो क्या उत्तर दोगे, बोलो. स्वरूप से हम शिव हैं और देह मन बुद्धि से शिवानी. तो आज आप सब देवियों को हम ये एक नया परिचय दे रहे हैं जो आपको आज तक किसी ने नहीं दिया. तुम दिव्य हो शरीर से भी, तुम दिव्य हो मन से भी, तुम दिव्य हो आत्मा से भी. और ये बात जिसके समझ आ गई
वो तो दिव्य है ही, जिसको ये बात समझ नहीं आए वो भी दिव्य है, मूढ़ नहीं है। जैसे बीज, पौधा, पेड़, फल, बीज की चार स्टेज हो गई। जब आम का पेड़ सिर्फ बीज होता है तो उसमें पेड़ दिखता है, पत्ते दिखते हैं, फूल दिखते हैं, नहीं दिखते। पर जब बीज को बो दिया फिर अंकुर निकला अंदर से, फिर वो अंकुर पौधा हुआ, फिर वो पेड़ हुआ, फिर उस पे फूल आए, फिर उस पे फल आए। बोया तो एक था और निकलते सैकड़ों हैं। तो बीज से लेके फल तक की जो यात्रा है, इसमें अगर बीज ना हो तो पौधा नहीं हो सकता, पौधा ना हो पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ ना हो फूल नहीं होंगे, और फूल ना हो तो फल नहीं होंगे। तो जो आम अभी बीज की तरह है वह भी आम, और जो आम फल बन गया वो भी, और जो अभी फूल ही है वो भी, और जो अभी इतना सा पौधा है छोटा सा वो भी आम। ऐसे ही हम बीज रूप से अभी प्रगटे नहीं, और बीज को जैसे माली बोता है और सींचता है, ऐसे ही आपकी दिव्यता के बीज को गुरु सींचता है और सींच के इसको बड़ा होने देता है, और बड़ा करता है तो फिर इसमें साधना के फूल लगते हैं, और फिर साधना के फूल लग गए तो समाधि का फल भी हो जाता है, और समाधि का फल हुआ तो ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, जो शब्द देना चाहो दे दो उसको। कोई कहे नहीं अभी तो कुछ अकल नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ पता नहीं, क्या हो गया अभी बीज रूप है, कुछ कुछ समझ आने लग गई, कुछ कुछ नहीं आई, अभी छोटा सा पौधा है, अब अच्छी समझ आ गई, अब पेड़ बड़ा हो रहा है। और जिस दिन ये संपूर्ण वृक्ष हो गया उस दिन पूर्णता हो गई। इसलिए बीज की निंदा नहीं कर सकते हम, पौधे की निंदा नहीं कर सकते हम, पौधे में लगे पत्ते की टहनी की भी निंदा नहीं कर सकते हम। उसके हर रूप में एक उसकी प्रोग्रेस है जो समय के साथ होती जा रही, काल से हो रही है सब। तुम्हारा शरीर काल से चल रहा है, नियंत्रित है, मरता है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल होता है। हमारा मन भी प्रकृति द्वारा संचालित है, कैसे इसके विस्तार में मैं तुम्हें बाद में लेके चलूंगी, और बहुत सी गहराइयां हैं इसमें। पर इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के पीछे जो तुम हो चैतन्य, वह शिव है। तो यह है कहानी शिव और शिवानी की, या हम ये कहें ये कहानी हमारी है कि किसी और की। कभी कभी बहुत समय पहले जो महादेव और पार्वती हुए थे उनकी है कि हमारी है। पार्वती राजा हिमालय की पुत्री हुई, और उनके मन में नारद जी ने संस्कार महादेव की भक्ति का डाला था, और उसको ये कहा कि अगर तू साधना कर ले और शिव हो जाए प्रसन्न तो हो सकता है वो तुम्हें अंगीकार कर ले। तो बाल अवस्था से ही जब आंख बंद करे तब, जब सोवे तब, स्वप्न आवे तब, झलके महादेव की आती रहती थी, समझ नहीं लगती थी किसको मैं देख रही हूं। और फिर एक दिन एक ऋषि पधारे, और ऋषि ने कहा ये जिसकी झलके तुम देख रही हो वो कोई और नहीं, वो तो महादेव हैं।
बोली महादेव नहीं नहीं वो तो मेरे ही स्वामी है. बोले पर उन तक पहुंचना कठिन, साधना करनी होगी. वो करेंगे. और फिर पार्वती जो साधना सीखती हैं वह गुरु, वो कहते एक्चुअली वो महादेव जी नहीं भेजे थे, जाओ. आ गई उसके अंदर इच्छा. जब मन सुषुप्त अवस्था में होता है तो हमारी स्मृतियां धूमिल होती. पर जब अंधेरा छटता है और स्मृतियां उजागर होती हैं तो मालूम होता है अरे मेरा जन्म किस लिए हुआ. मेरा जन्म तो सिर्फ महादेव के लिए हुआ. जब तक वो स्मृति जागी नहीं है तब तक वो एक राजकुमारी है. जिस दिन वो स्मृति जाग गई तो ऋषि पधारे और ऋषि ने कहा देवी तन साधो, देवी प्राण साधो, मन साधो. तो अष्टांग योग का उपदेश ऋषि देते, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान देवी करती हैं. तपस्या करती हैं. फिर इनकी घोर तपश्चर्या को देख के जो कई लंबे वर्षों तक चली, फिर महादेव प्रसन्न हुए, सामने आए, जिसे हम कहते प्रकट हुए, और देवी को उन्होंने स्वीकार किया. और फिर उनका विवाह हुआ. तो ये कहानी पार्वती और महादेव की है, शंकर की है. तो ये एक पौराणिक घटना घटी, निश्चित ऐसी घटना घटी. पर असल में ये पौराणिक घटना एक आध्यात्मिक घटना भी है. तुम अभी वह पार्वती हो जो अभी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, अंधेरे में, तमोगुण में, और अपने शिव को अभी चाह भी नहीं रही है क्योंकि अभी जानती नहीं है. अब इस तमोगुण की परत से इस मन रूपी पार्वती को बाहर निकालना है. जैसे गंगा की शांति सागर में लीन होके ही होती है, ऐसे ही पार्वती के जीवन की शांति महादेव को मिलके होती है. ऐसे ही हमारे मन को परम शांति अपने अंदर मौजूद शिव को, चैतन्य को, ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त करने पर ही होगी. तो अभी देवी सुप्त अवस्था में है, अभी देवी को जागृत करना है. देवी में इच्छा शक्ति आए, फिर बुद्धि आए, फिर वो सही क्रियाओं को करे, तब वो अपने शिव को प्राप्त हो जाती. पर आखिर में सार रूप इतनी बात जानिए, आप शरीर से नारी हैं, शरीर से आप प्रकृति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और प्रकृति दिव्य है. क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म के द्वारा आश्रित है, ब्रह्म ही उसका आधार है. इसलिए यह देह जो तुम्हारे पास है, यह देह भी पवित्र है. ये अणु परमाणु के द्वारा, प्रकृति द्वारा रचित इस देह को आप पवित्र ना कभी कहना.
रक्त शरीर में अंदर बहे या महावारी के समय पर शरीर से बाहर आए, तुम तब भी देवी हो, अशुद्ध नहीं हो, अपवित्र नहीं हो। और प्रकृति की अपार शक्ति है और वही शक्ति आपके पास भी है। जैसे एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन जब तक ना किया जाए तब तक एटम कुछ करता नहीं है, और एटॉमिक एक्सप्लोजन से नाश या सृजन दोनों किए जा सकते हैं। ऐसे ही आपकी तमाम शक्तियां फिलहाल विध्वंस में लगी हुई हैं। हाँ, अपने ही मन की शांति को भी ध्वंस करती हो तुम चिंता करके, अपने ही एकाग्रता को भी ध्वंस करती हो 100 जगह मन लगा के ममता में पड़ के, अपने को चिंता की अग्नि में डालते हो कल क्या होगा ये सोच सोच करके। शक्ति है, मन जिस शक्ति से विचार करता है वह शक्ति भी प्रकृति की है, पर अभी हमने अपनी इच्छा इस शक्ति से विध्वंस तैयार करने में, आलस्य तमोगुण बेहोशी तैयार करने में लगा के रखी हुई है। बट वेर एवर द डिस्ट्रक्शन इज, सम क्रिएटिविटी इज डेफिनेटली हैपनिंग, और उसको हम सकारात्मकता में कैसे बदल सकते हैं, और हमारे अंदर उन छिपी हुई शक्तियों को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इस विषय को बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है। और तुम सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो और मैं आपके सामने हूँ, और मिल बैठ करके इस रहस्यमयी शक्ति के मार्ग को समझें।